हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजल 2019 टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में जो अभी अभी डिक्लेयर हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितना कट ऑफ रहा, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, कब टीयर 2 होगा और हमारे मार्क्स कब आएंगे। तो आइए चलिए बात शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ में कि कितना रिजल्ट रहा, क्या कुछ आपका इसके बारे में जानकारी है। तो आप सभी को पता है एसएससी सीजल 2019 का टीयर 1 कंडक्ट हुआ था 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में, जिसमें करीब 9,78,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद इन्होंने टोटल 3 लिस्ट निकाली हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये लिस्ट का क्या चक्कर है आपका। देखिए टोटल 3 लिस्ट उन्होंने इसलिए निकाली हैं क्योंकि एसएससी में जो टीयर 2 होता है वो टीयर 2 के आपके टोटल 3 पेपर होते हैं। आपके टीयर 2 में 4 पेपर होते हैं टोटल आपके। एक होता है पेपर 1, फिर होता है पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो देखिए पेपर 2 और पेपर 1, ये पेपर 1 और पेपर 2 ये सीजीएल टीयर 1 क्लियर करने वाले सभी बच्चे देते हैं, यानी बाकी की सारी पोस्ट के लिए होता है। पेपर 3 इसके साथ में, पेपर 3 सिर्फ वो लोग देते हैं जो लोग जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं, और पेपर 1 और पेपर 2 के साथ में पेपर 4 सिर्फ वो लोग देते हैं जो डबल एओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जो ये सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो ये चारों पेपर देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने टोटल 4 लिस्ट निकाली हैं। तो आइए जानते हैं कितना कट ऑफ रहा और क्या कुछ आपका कितना कट ऑफ रहा है इस पे बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपका जो कट ऑफ है पेपर 1 यानी लिस्ट 1 का जो कट ऑफ है वो है आपका जनरल का कट ऑफ। मैं अगर बात करूंगा जनरल यानी यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो सभी के लिए ओपन होती है उसका कट ऑफ है 180। ये पेपर 4 यानी डबल एओ की पोस्ट के लिए है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 175, ओबीसी का कट ऑफ है 172, एसटी का कट ऑफ है 151, एसटी का कट ऑफ है 156, ओएच का कट ऑफ है 147, एचएच का कट ऑफ है 117, अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का कट ऑफ है 83। इन सभी को मिला के इन्होंने डबल एओ के लिए 8951 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें, अगर हम बात करें पेपर 3 के बारे में, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 जो लोग जेएसओ यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यूआर की कट ऑफ गई है 165 जो काफ़ी ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस की 152, ओबीसी की 154, एसटी की 119, एसटी की 130, ओएच की 130, एचएच की 86, वीएच की 110, पीडब्ल्यूडी की 40 गई है। और इन सभी को मिला के यहाँ पर इन्होंने 19,391 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा पेपर 1, पेपर 2 जिसके लिए सभी लोग पेपर देंगे जिसका, उसकी कट ऑफ गई है 147 जो कि पिछली बार से 10 नंबर ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा लीप है, क्योंकि इस बार ज़्यादातर लोगों का कहना था पेपर टफ है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम होनी चाहिए, कम होने के बजाय वो बढ़ और गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 135 है, ओबीसी की कट ऑफ 135 है, लगभग बराबर है, एसटी की कट ऑफ 104 है, एसटी की कट ऑफ 115 है, ईएसएम की कट ऑफ 89 है, ओएच की कट ऑफ 98 है, एचएच की 40 है, वीएच की 110 है, अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की 40 है, और इनको मिला के टोटल इन्होंने 1,25,279 बच्चे लिए हैं जो कि पिछली बार से कम है। पिछली बार करीब 1.5 लाख बच्चे लिए थे, तो बच्चे भी कम लिए हैं और उसके बाद भी कट ऑफ ज़्यादा जारी है। इसका मतलब कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जो बच्चे 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग मान के चलें कि उन्हें कम से कम 160 का टारगेट लेके तैयारी करना है, तभी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी, तभी आपकी नैया पार लगेगी, समझ रहे हैं। क्योंकि कट ऑफ जो है धीरे 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 हर साल बढ़ती चली जा रही है और इतनी बढ़ेगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में कितनी कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आपके मार्क्स कब आएंगे। तो देखिए इन्होंने बताया है कि सीजीएल टीयर 2 और टीयर 3 जो है वो इन्होंने शेड्यूल किया है 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, यानी कि जो टीयर 2 और टीयर 3 की डेट है वो इन्होंने दिए, सॉरी टीयर 2 की डेट है वो दी है 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में, और टीयर 3 की जो डेट है वो इन्होंने दी है 1 नवंबर 2020 को। तो टीयर 3 की डेट भी इन्होंने साथ ही साथ दे दी है 1 नवंबर 2020 को ये टीयर 3 करवा लेंगे इनके हिसाब से, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गाइडलाइंस इशूड बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग कोविड-19 पैंडेमिक। कहने का मतलब है कि आप और जो एडमिट कार्ड है वो 3 से 7 दिन पहले आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर, वैसे तो मेरा ये अनुमान है कि अक्टूबर नवंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, हम एक सामान्य जीवन जीने की ओर अग्रसर हो चुके होंगे तब तक। तो मेरा ये मानना है कि तब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा सक्सेसफुली। तो अक्टूबर में आपका टीयर 2 है और नवंबर में आपका टीयर 3 है, अकॉर्डिंग टू एसएससी इन्होंने जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड आपके 3-4 दिन पहले आएंगे। इसके अलावा
मार्क्स की अगर बात करें तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 7/7/2020 से लेकर कैंडिडेट्स में चेक दियर मार्क्स फ्रॉम 7/7/2020 टू 6/8/2020, यानी कि 7 जुलाई को मार्क्स आ जाएंगे आपके और 6 अगस्त तक आप मार्क्स को चेक कर सकेंगे अपने 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 रीजन की वेबसाइट पर। तो यानी कि मार्क्स आने की डेट क्या हो गई, 7 जुलाई को आपके मार्क्स आ जाएंगे। आज रिजल्ट आ गया है, 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक टीयर 2 होगा और 1 नवंबर को आपका टीयर 3 कंडक्ट होगा। तो ये आपके बारे में, इस पूरे रिजल्ट के बारे में ये की हाइलाइट्स थी। अब हम आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम बात करेंगे कि कितना कट ऑफ लीप हो रहा है, कितने कट ऑफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ आपके बारे में, इस सभी के बारे में बात करेंगे। और ये जो शेड्यूल है एसएससी ने दिया है, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इन्होंने जो पिछला शेड्यूल निकाला था उसमें सीजीएल टीयर 2 की डेट्स इन्होंने 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर दी थी और आज जो ये डेट निकाल रहे हैं इसमें बोल रहे हैं कि ये टेंटेटिवली शेड्यूल है 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे 12 अक्टूबर है या 15 अक्टूबर है या 14 से 17 है। खैर ये चीज़ें अभी हम कुल मिला के बात ही है कि अक्टूबर है आपका और ये आज पास जैसे जैसे समय पास आएगा ये वो चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी CHSL बच्चे वाले बच्चे तैयारी करते रहें क्योंकि अभी हमारा जुलाई लग गया है, अगले महीने तक स्थिति और सामान्य होगी तो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो सकता है। तो CHSL का जो बचे हुए बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू SSC, और स्टेनोग्राफर वालों का सेप्टेम्बर में हो जाएगा और CPO वालों का सेप्टेम्बर अक्टूबर में होगा। तो ये सारे एग्जाम्स आपके शेड्यूल हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने रिजल्ट को बताना चाहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और मेरे वीडियोस आपके किसी भी प्रकार से हेल्पफुल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।